हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज मैं फिर से नए वीडियो के साथ, और आज मेरे पास वीवो का 91 फोन आया हुआ है। और आप देख सकते हैं ये कितना ही बारीकी तरह से ब्रोकन हो गया है इसका ग्लास, और डिस्प्ले इसका बिल्कुल ओके है। तो आज हम इसका ग्लास को रिप्लेस करने वाले हैं, और बिल्कुल आपको दिखाने वाले हैं कि ग्लास ऐसे ऐसे ब्रोकन को कैसे रिप्लेस करेंगे, कैसे फ्रेम आउट करेंगे आप। तो चलिए हम आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम फोन को पहले इसका जो बैक पैनल है उसे ओपन कर लेते हैं। अगर आपके पास भी ऐसा ब्रोकन आया तो बिल्कुल आप रिप्लेस कर सकते हैं, थोड़ा पेशेंस रखना होता है। तो चलिए हमें यहाँ से 3 स्क्रू को खोलना पड़ेगा। देखिए मेरा बिल्कुल ये निकल चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें बहुत ही ज्यादा ब्रोकन है ग्लास, तो इसमें पहले हम लेमिनेशन कर लेंगे। मैं वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहता हूँ, एक एक स्टेप को दिखाना चाहता हूँ, ताकि जब भी आपके पास प्रॉब्लम आए तो बिल्कुल आप एक भी स्टेप मिस ना कर पूरे अच्छे से काम कर सके। सबसे पहले इसमें एक लेमिनेशन करेंगे। तो देखिए हमारा लेमिनेशन हो चुका है, और इसे हम साइड साइड से जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है इसे हम कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल आपको नहीं लगेगा, बिल्कुल बहुत ही आसान लगेगा। और मैंने काफी सारे ऐसे से ब्रोकन ग्लास को रिप्लेस किया है, और बिल्कुल ब्रोकन होने का कोई चांस ही नहीं है। तो चलिए हम इसे कुछ देर, अभी हीटिंग पे चढ़ा चुके हैं तो कुछ देर हम इसे हीटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों मेरा ये हीट हो चुका है फोन, तो चलिए हम इसे ग्लास को फ्रेम आउट करने का कोशिश करते हैं। तो आपको इस टाइप का एक ब्लेड चाहिए, आप देख सकते हैं बहुत ही लचीला ब्लेड है, और इससे हम फ्रेम आउट करेंगे। बहुत सा भाई प्लास्टिक के रेपर से करते हैं, लेकिन मैं रेपर से नहीं करता हूं, क्योंकि हमें ब्रोकन होने का ज्यादा चांस रहता है उसमें, और इसमें बिल्कुल ब्रोकन होने का चांस नहीं रहता है आपका। तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से अंदर जा रहा है, और बिल्कुल आधा ये काम हो चुका है हमारा। तो हम दूसरे साइड में भी ऐसे ही बस स्लिप करना है, आपको प्रेस ज्यादा नहीं करना है, हल्के हाथों से इसे स्लिप करते जाना है। तो ये दोस्तों देख सकते हैं आप, मेरा बिल्कुल एकदम आसानी से निकल चुका है ग्लास। मैं आपको दिखा देता हूँ कितने आसानी से निकाल सकते हैं आप, अगर इस टाइप का आपके पास ब्लेड हो, अगर काम अच्छा आपका हैंड स्किल अच्छा हो, तो बिल्कुल आप इसी तरह से निकाल सकते हैं आप, बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलेगा। अब मैं आपको डिस्प्ले भी चेक करा देता हूँ, मेरा हीट ज्यादा हो चुका है इस वजह से डिस्प्ले में भी दिखाई नहीं दे रहा है। एक दे सकते हैं, बिल्कुल सेफ है। तो आप भी इस टाइप से कर सकते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल आप इस टाइप का ब्लेड एक मंगवा लीजिए, मार्केट में बिल्कुल मिल जाएगा आपको, जहां से आप सामान परचेज करते हैं वहां से मिल जाएगा। तो देखिए मेरा बिल्कुल सेफ निकल चुका है। तो चलिए हम इसे इसका बैटरी भी निकाल लेते हैं। बिल्कुल आपका ग्लास चाहे जितना भी ब्रोकन है, आपके पास एक ब्लेड होना चाहिए और अच्छा हैंड स्केल होना चाहिए, बिल्कुल आप सेफली निकाल सकते हैं, और आप अपना हैंड स्केल खुद से बना सकते हैं। इसमें जाली को मैं बाहर निकाल लेता हूं।
अब चलिए हम इसे इसका ग्लास को कटिंग करने का आपको बहुत अच्छा ट्रिक देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको ग्लास को फ्रेम को एलसीडी को सपरेटर में ऐसे रख लेना है और वैक्यूम को चालू कर आपको बीच में आपको नहीं लगाना है वायर को, आपको साइड से वायर को इसमें अंदर घुसाना है। ये देख सकते हैं आप, मैं बस इसमें यहाँ से फिर आपको स्टॉप कर देना है, फिर इस साइड से आपको इसमें ग्लास को डालना है वायर को। आपका टाइमिंग का भी बहुत इसमें बचत हो जाएगा, जो आप लोग 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा जो फ्रेम आउट करने में टाइमिंग दे देते हैं वो आपको 5 मिनट के अंदर में फ्रेम आउट हो सकता है। तो दोस्तों देखिए मेरा बिल्कुल फ्रेम कटिंग भी हो चुका है फोन डिस्प्ले। तो चलिए अब इसे हम कुछ कुछ गोंद इसमें लगा हुआ है तो बिल्कुल इसे साफ भी कर लेते हैं। तो ये मेरे पास इसका एक ग्लू मशीन है जिसे हम रिमूव कर रहे हैं अभी। तो बिल्कुल आपके पास सामान हो तो बिल्कुल आप अच्छे से तरीके से किसी भी कंपनी का किसी भी मॉडल का कितना भी ब्रोकन क्यों ना ग्लास हो बिल्कुल आप रिप्लेस कर सकते हैं। दोस्तों अगर मेरे वीडियो पे अगर आप नए होंगे तो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, मैं ऐसे ऐसे ही नया नया वीडियो नया नया ट्रिक के साथ आपको वीडियो लाता रहूंगा। और जो भाई जिनको अच्छा लगा हो जिनको बिल्कुल आप अगर मेरे में कोई कमी हो अगर मैं अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ तो बिल्कुल आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आकर बताएं कि मैं कहाँ से कहाँ पर गलती कर रहा हूँ। तो चलिए थोड़ा हम इसे मैं लिक्विड से इसे क्लीन कर लेता हूँ। टोटल काम करता हूं दोस्तों, मेरे पास जो काम आ जाता है मैं वही कर लेता हूं, मैं आईसी पे भी वर्क कर लेता हूं इस समय भी वर्क करता हूं तो मैं इसलिए इस वजह से मैं टोटल वीडियो आप लोगों को देते रहता हूं। ओनली 15 से 20 मिनट में आपका ये फोन ऑन हो जाएगा, बिल्कुल ओके हो जाएगा। तो अगर आपके पास भी अगर कोई फोन अगर टूट गया हो ग्लास ऊपर का टच डिस्प्ले अच्छे से दिख रहा हो तो बिल्कुल आप रिप्लेस करवा सकते हैं, मेरे शॉप में भी आकर कर सकते हैं कोरियर भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग सेफ निकालते हैं डिस्प्ले को, सेफ ही लगाते हैं, तो पता ही नहीं लगेगा कि आपका कभी ग्लास भी चेंज हुआ है। तो मैं देख सकते हैं आप, ये मेरे पास ओरिजिनल टचपैड पड़ा हुआ है और ये ब्रोकेन नहीं होता है ग्लास। तो मैं आज इसको मैं आप काफी ग्लास यूज भी करते होंगे दोस्तों तो वो जल्दी जल्दी ब्रोकेन हो जाता है, कस्टमर बहुत सारा शिकायत करने लगते हैं, लेकिन मैं उस टाइप का ग्लास को यूज नहीं करता हूँ और मैं बिल्कुल ओरिजिनल ग्लास को यूज करता हूँ ताकि कस्टमर हमसे ब्लेम ना करे और बिल्कुल बार बार नहीं आए मेरा टूट गया जल्दी। बहुत सारा कंप्लेन आता है कस्टमर का कि महीना 15 दिन में ग्लास ब्रोकन हो जाता है और टूट जाता है। देखिए मैं बिना फ्रेम का इसको लगा चुका हूँ अब, तो चलिए हम अब इसे देख सकते हैं यहाँ पर बबल है तो इस पंचिंग मशीन में डालते हैं। ये हमारा बाबा टूल्स का 2100 मॉडल पंचिंग टूल्स है और मैंने इसे लगभग 8 साल से मैं यूज कर रहा हूँ।
मेरे पास AKT का भी पंचिंग टूल्स है, लेकिन मैं उसे यूज नहीं करता हूँ क्योंकि बाबा टूल्स का जो पंचिंग मशीन है वो काफ़ी लाइफ इसका अच्छा है और काफ़ी देर तक मेरे पास है और काफ़ी दिनों से है, काफ़ी सालों से है, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, तो मैं इसे यूज करता हूँ। तो ये हमारा पंचिंग कंप्लीट होने वाला है। अभी मेरे पास मैं 9 मिनट में पंचिंग कर चुका हूँ, आप सोच सकते हैं कितना फास्ट भी हुआ ये काम। तो चलिए हम इसे अब बबल रिमूवर में डाल देते हैं। इसे ये हमारा बबल रिमूवर है, थोड़ा बहुत बबल जो रह जाता है उसे बिल्कुल रिमूव कर देता है। तो मैं 30 से 40 50 सेकेंड 60 सेकेंड 1 मिनट तक समथिंग इसे रिमूव करूँगा इसे बबल रिमूवर में डालकर। तो चलिए दोस्तों अब हम इसे निकाल लेते हैं, हमारा टाइमिंग हो और इसे हम फटाफट अभी पैकिंग भी करके आपको दिखा देंगे पूरा। ये दोस्तों मेरा निकल चुका है अब बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल इसमें बबल भी नहीं है, आप देख सकते हैं 1% भी बबल नहीं है। तो बिल्कुल आपका ग्लास अगर टूटा हुआ हो तो बिल्कुल मैं मेरे पास आ जाइए या कोरियर कर दीजिए, मैं आपका ग्लास को रिप्लेस कर दूंगा और प्राइस भी ज़्यादा लगने वाला नहीं है। ये आपका ओरिजिनल जो कॉम्बो होता है वो आपका सेफली सेफ हो जाता है, और मार्केट का जो कॉम्बो आप लगाते हैं बिल्कुल आपको बार बार टूटता है, बार बार प्रॉब्लम आता है, टच अच्छे से वर्क नहीं करता है। तो अगर आपका ओरिजिनल कॉम्बो लगा हुआ है और फर्स्ट टाइम टूटा हुआ है तो बिल्कुल आप चेंज करवा सकते हैं। तो देखिए मैं इसमें आपका गोंद लगा चुका हूँ, अब मैं इसे फिक्स करने वाला हूँ। बिल्कुल आप फ्रेम में गोंद लगाते हैं लेकिन मैं फ्रेम में गोंद नहीं लगाता हूँ और बिल्कुल फिनिशिंग अच्छा देता हूँ मैं, ताकि कस्टमर को पता भी ना चले कि मेरा कभी ग्लास चेंज हुआ है, इस टाइप का नहीं लगे। चलिए मैं बैटरी भी लगा देता हूँ और इसमें 3 ठो नट लगा हुआ है, मैं इसे भी लगा देता हूँ फटाफट। मेरा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, आप मेरा वीडियो कैसा लगा बिल्कुल बताएं आप, और मैं आपको टेस्ट भी करा देता हूँ। देखिए मेरा फोन बिल्कुल खुल चुका है और मैं इसमें थोड़ा टेपिंग करूंगा, बहुत से दुकानदार रबड़ लगाते हैं लेकिन मैं टेपिंग करता हूँ ताकि इसका एक एक जगह में अच्छे से फिक्स हो पाए। जैसे स्क्रैच आने वाला था लेकिन बच गया। तो
तो दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरा ये पूरा ओके हो चुका है, पूरा फ्रेम आउट से लेकर पूरा फिटिंग तक हो चुका है। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा बिल्कुल आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताया, और मेरा जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मेरा 14-15 मिनट कंप्लीट होने वाला है, तो चलिए मैं इसको 15 मिनट में पूरा फिनिश कर चुका हूँ। तो मैं फिर से नए वीडियो के साथ आऊंगा दोस्तों, तब तक के लिए आपको धन्यवाद, आप मेरे वीडियो को पूरा देखा करें। तो दोस्तों यूट्यूब में जाइए, सर्च कीजिए माँ भवानी मोबाइल रिपेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मैं फिर से नए वीडियो में मिलूंगा आपसे।